आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था, उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो वीडियो लेके आया उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो होटल बुकिंग के ऊपर आपको जो टूरिस्ट वीजा है वो क्यों मिलता है, उसके क्या कारण है। मेरे को बहुत लोग फोन करके पूछते हैं, मेरे को कमेंट करके भी पूछते हैं कि होटल बुकिंग पे क्या वीजा मिल जाता है। देखिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट वीजा वो होटल बुकिंग पे ही मिलते हैं, और कनाडा में भी ऐसा ही है। चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आया हूँ, उस पे मैंने होटल्स एंड डिस्काउंट की जो वेबसाइट है उसका एक वेब पेज खोला हुआ है। उसमें लिखा हुआ कि हाउ मैनी होटल्स आर देयर इन कैनेडा। तो हम इसमें नीचे चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसका जो आंसर है, हाउ मैनी होटल्स आर देयर इन कैनेडा, उसका जो आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू 2019 कैनेडियन होटल एंड मोटल सर्वे, देयर आर 8,229 होटल मोटल एंड रिजोर्ट्स विद 4,60,688 रूम्स। तो आप देख सकते हैं कि जो 2019 में जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक कनाडा में कितने ज्यादा होटल है, और उसमें करीब 4,60,000 से ज्यादा कमरे हैं। तो ये जो जितने भी रूम्स है ये कैसे फिल होंगे, ये जब जब तक उस कंट्री में टूरिस्ट नहीं आएंगे, जो बाहर से टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो तब तक कैसे ये जो होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और कैसे वहां पे टूरिज्म प्रमोट होगा। तो ये एक वेबसाइट का जो सर्वे है उसके मुताबिक ये जो होटल के कमरे बताए गए हैं। तो हम चलते हैं अब दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं गूगल के इस पेज पे चलते हैं। इसमें हम यहाँ पे ऊपर मैंने सर्च में इसमें लगाया हुआ है बीसी कैंपस। तो ये बीसी कैंपस एक कैंपस है कनाडा में, तो उसकी रिसर्च के मुताबिक उनकी जो बुक्स में क्या लिखा हुआ उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम चलते हैं bccampus.ca की जो वेबसाइट है उसमें फाइंड ओपन टेक्स्ट बुक्स। तो हम जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक ये टेक्स्ट बुक आती है जिसमें आता है, जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इन बीसी। तो ये जो टेक्स्ट बुक है, आपको पता ही है कि जो टेक्स्ट बुक्स है वो बहुत जो हाई लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जिनको अपनी फील्ड का ज्यादा नॉलेज होता है, वही लोग ये टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं। इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है मॉर्गन वेस्टकॉट एंड वेंडी एंडरसन। तो ये जो पब्लिश हुई है ये बुक 4 जून 2021 में पब्लिश हुई थी, तो इसकी सेकेंड एडिशन चल रही है। तो इसमें क्या लिखा है उन्होंने, हम इस बुक के थर्ड चैप्टर में चलते हैं जो अकोमोडेशन के ऊपर है, उसमें होटल्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसमें भी यही डाटा दिया हुआ कि देर आर 8,289 होटल मॉटल्स एंड रिजॉर्ट्स विद ए टोटल ऑफ 4,60,688 रूम्स अक्रॉस कनाडा इन 2019। तो देखिए ये जो डाटा है यहाँ भी इसी में इस टेक्स्ट बुक में भी यही डाटा दिया हुआ है, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कोई बिल्कुल ठीक डाटा है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो इसको हम लेके अगर इसको इस बेस को लेके चलें तो हम अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतने ज्यादा जो रूम्स है वो कैसे ऑक्यूपाई होंगे, कैसे उनकी वैकेंसी जो है फिलअप होगी। तो ये तभी फिलअप होगी अगर बाहर से टूरिस्ट वहां कनाडा में घूमने आएंगे। तो बाहर से जो टूरिस्ट वो कैसे आएंगे, जब वीजा ऑफिसर जो होटल बुकिंग पे जो लोग अप्लाई करते हैं उनको वीजा देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है इसका कि जो होटल बुकिंग के ऊपर वीजा मिलते हैं, और आप इजीली निश्चिंत तो होके उस पे आप अपनी फाइल लगाइए और अपना वीजा ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं थर्ड वेबसाइट पे, तो हम इसको कंफर्म करते हैं। ये है होटल एसोसिएशन ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है उसके वेब पेज पे आप देख सकते हैं, मेंबरशिप एंड एडवोकेसी के जो वेब पेज है ये मैंने खोला हुआ है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो डाटा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, और वही सेम डाटा इस पे दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट्स अक्रॉस कैनेडा, वो भी 8,289 होटल्स इसमें लिखा जा रहा है, और इसके बाद होटल रूम्स अक्रॉस कैनेडा जो इन्होंने लिखा हुआ है वो भी 4,60,688, इसमें भी डाटा वो ही दिया हुआ है। तो इससे हम हमने ये देखिए तीन वेबसाइट से ये डाटा कंफर्म किया है, और ये जो डाटा है बिल्कुल जेन्युइन डाटा है, तो इसमें कोई हेर फेर नहीं है, कुछ छुपाव नहीं है, कुछ ये नहीं है कि हमने कुछ चेंज किया, ये कोई किसी एक आदमी की वेबसाइट नहीं है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है। तो सारा डाटा दिया हुआ है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो
इनका जो टोटल बिजनेस है होटल इंडस्ट्री का 10.6 बिलियन डॉलर है, तो इसमें करीब मोर देन 3 लाख पीपल आर इम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। कारोबार है वो कैसे चलेगा? वो ऐसे ही चलेगा जब बाहर से लोग वहां पे टूरिस्ट बन के आएंगे, टूरिज्म में आएंगे और मतलब वहां घूमने के लिए आएंगे, वो होटल्स में रहेंगे, तो तभी ये जो होटल्स है वो वर्क कर पाएंगे। और ये जो तभी होगा अगर वीजा ऑफिसर्स हैं जो जो आउटसाइडर्स हैं, जो कनाडा से बाहर से आते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, तो उनको अगर वो वीजा देंगे, तो इससे साफ पता लगता है कि कितनी कैपेसिटी है, कितने रूम्स हैं। तो इतने रूम्स हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है कैनेडा के जो वीजा ऑफिसर हैं वो इतने लोगों को वीजा देने की क्षमता रखते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने टूरिस्ट कैनेडा को चाहिए। अब निश्चिंत हो गए जो आप कैनेडा टूरिस्ट वीजा के लिए अपनी फाइल होटल बुकिंग पे लगा सकते हैं और आपके बहुत अच्छे चांसेस है आपको वीजा मिलने के, क्योंकि कैनेडा के जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म को प्रमोट करती है, प्रमोट करना चाहती है, तो इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वीजा फॉरनर्स को देंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपके लिए वो हेल्पफुल होगी और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल सके। आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, उसके बारे में आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं, वो नंबर इस वीडियो की स्क्रीन पे आ रहा है। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है या डाउट रह जाता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से अपनी कैनेडा टूरिस्ट वीजा की फाइल या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को इसी मोबाइल नंबर पे फोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में भी मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कैनेडा के टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके आप उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कैनेडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।